डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 93। महोदय, पिछले 40-45 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने काफ़ी ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार साल भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है दूसरे रोजगार की खोज में। वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है, हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। पाई पेरा चेंज, लेसन नंबर 94। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से
अच्छे डॉक्टर रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहां जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। पाई पेराचेंज। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो दो युद्ध हुए उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब काबू में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकट में हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक चाहे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होनी चाहिए, न कि विनाश। और जब सभी लोग इस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान की जो प्रगति होगी वह संसार तथा मनुष्यता के लिए कल्याणकारी होगी, विनाशकारी नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है। क्या इसे दूसरे लोग भी समझते हैं? स्टॉप।